नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टैग बैलेंस पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ, ये हमारे पास ट्रिमर है। इसमें ये जो इसका चार्जर है ये वर्क नहीं कर रहा है, ये चार्जर नहीं चल रहा है, ये चार्जर में कुछ खराबी आ गई है। ठीक है, अब इसका अगर मैं नया चार्जर मार्केट में लेने जाऊँ तो 300 रुपये के आसपास लगभग आएगा नया। दोस्तों क्यों पैसा वेस्ट करना, आइए हम आपको इसको घर में ही बनाना दिखाते हैं। ठीक है, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको इसे घर में कैसे बनाना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो आप केबल देख रहे हो इसको आपको कहीं से ब्रेक कर लेना, कहीं से कट कर लो। ठीक है, तो आइए मैं इसे पहले कट कर लेता हूँ। ये मैंने कट कर लिया। ठीक है, अब इस चार्जर को साइड में रखते हैं। इसमें दो वायर है, ठीक है, इसे बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ये दो है, इसको छील लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, इसे हम पहले पावर बैंक से चार्ज करेंगे और देखेंगे चलता है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या लेना होगा, एक लेना होगा पावर बैंक, मैंने यहाँ पे पावर बैंक ले लिया। ठीक है दोस्तों, यदि इसका आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखा होगा तो ऊपर आ रहा जो आई बटन वहाँ पे जाके आप इसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। एक मोबाइल यूएसबी केबल, ठीक है, मैंने इसे पहले ही काट के रखा है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा होगा, रेड और ब्लैक वायर लिए, इसकी जो बची दो वायर साइड में ले लें उससे काम नहीं है। ठीक है, आइए इसे चेक करते हैं। इसे पावर बैंक में लगा लेना है। ठीक है, अब रही दोस्तों मेन बात, इसके अंदर दो पॉइंट होगा आपको, एक ऊपर का है और एक अंदर साइड का है। इसमें प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, इसके लिए आपको ये चार्जर पे एक फोटो बनाए, ये वाला आपको बगल में फोटो दिख रहा होगा, ये वाला आइकॉन, इस आइकॉन पे लिखा है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ठीक है, यहाँ पे अंदर वाला प्लस है और बाहर वाला माइनस है। ठीक है, ये जो बाहर का है ये माइनस है, इस पे ब्लैक वायर जाएगा, और जो अंदर का है ये प्लस है, इस पे रेड वायर जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे पहले चेक कर लेते हैं, इसमें अंदर की वायर इसमें कौन सी है और बाहर की वायर कौन सी है। ठीक है, मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मैंने मल्टीमीटर ऑन कर लिया। ठीक है, ये देखिए बी पावर वाले कंटिन्यूटी पे रखे, इसे चेक करते हैं इसमें अंदर की वायर कौन सी है, नहीं बजा। जी हाँ, देखिए बज रहा है, आप देख सकते हो, आपको दिखाना, एक वायर साइड में मतलब ये वाली वायर अंदर की है। ठीक है, इस पर एक काट लगा लेते हैं। इसमें जो गांठ लगी है वो प्लस है और जो सिंपल है वो माइनस है। ठीक है, इस पर रेड वायर जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस को माइनस माइनस को। अब दोस्तों फाइनल चेक करने की बारी आ गई है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम आपको इसका वोल्टेज दिखा देते हैं, कितना वोल्टेज है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 5.05। आप देख सकते हैं, मैं सामने लाता हूँ आपके, आपको दिखाई दे रहा होगा 5.05। इस पावर बैंक में वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पे रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वोल्टेज हट गया। अब इस प्लग करता हूँ, 5.07 वोल्टेज, ये इस पावर बैंक का वोल्टेज है। इस पावर बैंक के वोल्टेज को मैंने ट्रिमर के चार्जर की पिन पे कनेक्ट किया है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये मैं ट्रिमर ले लेता हूँ साथ में, तो आइए अब इसे चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लगाने पे कनेक्ट करने पे इसमें रेड लाइट जलेगी। ये एक बार पावर बैंक की पिन निकाल के लगाते हैं। जी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेड लाइट जल रही है
और वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया 5.07 से 4.14 आ गया है, ये चार्ज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए इसे चालू करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, चलिए आपको आवाज आ रही होगी, समझ गया मैंने। ठीक, अब इसकी पिन निकालता हूँ, आवाज में बदलाव आया रहेगा। ठीक है, इवन आप इधर भी देख सकते हो, देखिए दोस्तों चार्ज हो रहा है तब वोल्टेज दिखा रहा है 4.13। ठीक है, इसे चालू करते ही देखिए वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगा, देखिए 3.43 हो गया दोस्तों। इसका चार्जर खराब हो गया था, इसे हमने पावर बैंक की मदद से कैसे चार्ज करना है वो बनाया। ठीक है, आइए अब इसको मैं पावर बैंक से ना चार्ज करते हुए इसे मोबाइल के चार्जर से चार्ज करता हूँ। ठीक है, हम एक मोबाइल चार्जर ले लेते हैं, ये मोबाइल चार्जर है बस, इसकी पिन निकाल लेते हैं। ठीक है, चार्जर देखिएगा फ्रेंड, इसे प्लग करते ही लाइट आ जाएगी, इसको मैं कर लेता हूँ। जी हाँ, देखिए लाइट जल रही है, रेड लाइट, ये चार्ज हो रहा है। इस मोबाइल चार्जर के जरिए भी ये चार्ज हो रहा है और इस पावर बैंक से भी चार्ज हो रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।